नमस्ते। ब्रीदिंग की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। आज हम सीखेंगे नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कैसे करते हैं। तो पहले वीडियो से स्टार्ट करें जिसमें एब्डोमेन और चेस्ट ब्रीदिंग बताई गई। उस ब्रीदिंग को रेगुलर करने के बाद फिर नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें। नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आज सीखेंगे। पहले दोनों नॉस्ट्रल, जो राइट और लेफ्ट दो नाक हैं, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल, आपको ब्रीदिंग को पूरा डीप लेना और छोड़ना सीखने के लिए नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जरूरी है। आपके राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, पहले ध्यान रखें कि आप जिस भी कंडीशन में बैठ रहे हैं वहां आपकी स्पाइन स्ट्रेट रखें। आप बैक सपोर्ट से बैठें, आप बीमार हैं तो अपनी बॉडी को बिल्कुल तकलीफ ना दें। बैक सपोर्ट से बैठें और फिर ही ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग लंबी और गहरी करनी है, इसे आपकी पीठ सीधी रखना बहुत जरूरी है। तो राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर देंगे, आंखें बंद कर देंगे, पीठ को पूरा खोलेंगे, छाती को पूरा खोलेंगे और पीठ को एकदम सीधा। श्वास को सिर्फ लंबा गहरा लेफ्ट नॉस्ट्रल से भरेंगे और छोड़ेंगे। जब आप श्वास भर रहे हैं तो महसूस करें आपका पेट बाहर आ रहा है और छाती खुल रही है। फिर जब श्वास छोड़े तो महसूस करें पेट अंदर जा रहा है, छाती अंदर जा रही है। थोड़ी देर मेरे साथ करें, एक मिनट तक। फिर आपको ये श्वास 3 से 4 मिनट करनी है। ध्यान रखें आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। जब आपकी श्वास राइट लेफ्ट नॉस्ट्रल से 3 से 4 मिनट हो जाए, उसके बाद उसी हाथ की लास्ट की दो उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें। आप चाहें तो बाकी की उंगलियां फोल्ड कर सकते हैं इस तरह, या तो जैसे रखना चाहें। अपने हाथ को इस तरह ना रखें, नहीं तो ये दर्द होगा। अपने हाथ को अपनी छाती से लगा के रखें। लास्ट की दो उंगलियां हैं, उनसे लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें और यही प्रोसेस राइट नॉस्ट्रल से करें। यानी श्वास लंबी गहरी भरें, पेट खुलता हुआ देखें, छाती खुलती हुई देखें और श्वास छोड़ें, पेट अंदर छाती अंदर करें। श्वास जितने धीरे धीरे और आराम से भरेंगे आप उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल भी जल्दी जल्दी श्वास ना लें, ना छोड़ें। ध्यान रखें जब भी आप 3 से 4 मिनट के लिए बैठ रहे हैं अपनी कमर गर्दन सीधी ही रखें। मेरे साथ प्रैक्टिस करें थोड़ी देर। इस तरह फिर अपने हाथ को नीचे रख दें और जब दोनों नॉस्ट्रल से श्वास भर जाए उसके बाद एकदम शांति पूर्वक बैठें। पीठ सीधी ही रखें और नॉर्मल लंबी गहरी श्वास दोनों नाक से भरें। और धीरे धीरे छोड़ें। इस तरह 3 से 4 मिनट यहाँ पे बैठे, फिर धीरे से अपनी आंखें खोलें। ध्यान रखें आप राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे हैं तो थंब, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे हैं तो राइट को थंब से बंद करना है, लास्ट की दो फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, इसको बिल्कुल भी गलत फहमी में ना रहें। आप जो जानते हैं उसको भूल जाएं, जो मैं सिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो 3 मिनट लेफ्ट नॉस्ट्रल से करें,
तीन मिनट राइट नॉस्ट्रिल से करें और तीन मिनट दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करें, उसके बाद ही आंखें खोलें। नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपकी श्वास पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। तो जो आने वाले सेशंस में मैं आपको मेडिटेट करना सिखाऊंगी, उसमें आपकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया आपके काम आएगी। और जब आप नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं तब आप पूरी पूरी श्वास भरते हैं और फोकस रखते हैं अपने नॉस्ट्रिल पे, इससे आपकी पूरी शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर होता है। इसके अलावा जब ऑक्सीजन भरता है, श्वास लंबी गहरी होती है, तो आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। एक खास बात का ध्यान रखें, आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो इस ब्रीदिंग को आप लेट कर कर सकते हैं। जब आप लेट कर नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं तो आपको नींद बहुत ही सेकंड्स में आ जाती है और बहुत गहरी आती है। तो आप जब सोने जाएं तब आप सीधा कर दें शरीर को बिस्तर पे और फिर अपने नॉस्ट्रिल से श्वास भरना शुरू करेंगे। देखेंगे आपके आपको पता ही चलेगा कब आपको नींद आ गई, तो आप उसको नींद में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में ब्रीदिंग का कोई नया वीडियो लेकर आऊंगी। आप बने रहे मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ योगाचार्य नीरजा के साथ, और मेरे इस नोबल कॉज में मेरी मदद करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।